अब तक आपने देखा। सभी औरतें अनुमान लगाती हैं कि मंजू को बेटा ही होगा, लेकिन लल्लन की माँ कहती है कि उसे मंजू को देखकर बेटी होने की संभावना दिख रही है। इस बात पर फूलेश्वरी बहुत नाराज होती है। आयोजन की पेमेंट के लिए बिल सरोजा तक आता है। माधव सरोजा मिलकर बिल का हिसाब करते हैं। संग्राम को ये पता चलता है कि माधव ने बंसीलाल की 50,000 रुपए देकर मदद की है। वो ये बात गिरजापति को बताता है। गिरजापति भी इस बात से बहुत नाराज होते हैं। गिरजापति की नाराजगी पर माधव बहस में पड़ जाता है और उसके मुँह से ये निकल जाता है कि उसके पिताजी भी गुंडों को पालते हैं और वो सरोजा को भी भला बुरा बोल जाता है। उसे लगता है कि सरोजा ने खुद विजेंद्र को चेक से पेमेंट की बात बताई है। सरोजा को माधव की इस बात से बहुत तकलीफ होती है। जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान ही मंजू की तबीयत हल्की सी खराब हो जाती है। माधव और सरोजा उसे घर ले आते हैं। माधव के जाने के बाद मंजू की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है। सारे फोन्स का नेटवर्क डाउन हो जाता है। मंजू लेबर पेन में चली जाती है। सरोजा भगवान से मदद मांगती है और तभी फोन में नेटवर्क आ जाता है। सरोजा मंजू के डॉक्टर को फोन करती है। सरोजा डॉक्टर के निर्देशों के हिसाब से काम करना शुरू कर देती है और फिर ठीक 12:01 पर मंजू एक बेटी को जन्म देती है। अब आगे सरोजा कुछ तो बोलो। डॉक्टर, जान सी बेटी हुई है, एकदम राधा रानी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चाची बनने की बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ा काम किया है तुमने सरोजा। एक नन्ही सी जिंदगी को एक नई सी दुनिया दिखाई है तुमने। डॉक्टर, मंजू भाभी को अभी तक होश नहीं आया। नॉट टू वरी सरोजा, पोस्ट डिलीवरी ट्रॉमा है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। होश आने पे मंजू को हल्का गुनगुना पानी दे देना और उससे पहले बच्चे को अच्छी तरह पूरी तरह से साफ कर लीजिए। बच्चे को साफ टॉवल में लपेट के रखना। प्रिकॉशनरी मेजर के लिए मैं एक जूनियर डॉक्टर को भेज रही हूँ वहाँ पे। मंजू को कुछ मेडिसिन और कुछ इंजेक्शन देने होंगे। तब तक तुम माँ बच्चे के साथ ही रहना। यू आर ग्रेट सरोजा, ऑल द बेस्ट। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कितनी प्यारी बच्ची है और अभी तक किसी को मालूम ही नहीं है। हम सबको फोन करके बताते हैं। हमका तो हमरी मंजू बहू से केवल बेटा ही चाहिए। तुम्हारी दादी जी को फोन करने जा रहे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी इतनी सुंदर आंखें सबका मन मोह लेंगी। सरोजा बहू का फोन कर रही है, सब ठीक है ना? हाँ सरोजा बहू, बोलो। घर में सब कुशल मंगल? मंजू बहू की तबीयत अभी ठीक है? जी अम्मा जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? मंजू दीदी की डिलीवरी नहीं हो गई। मंजू बहू को बेटा हो गया? अरे हमारी बात तो सुनिए अम्मा जी। धन्य हो भगवान, धन्य हो।
आज के दिन हमारे हमारे घर पधारे आओ। धन्य हो अम्मा जी। अरे सुनो ना, हमारा पोता आ गया। हेलो अम्मा जी, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। हे भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, आपकी बहुत कृपा। पंडित जी, आज हमारे पोता हुआ है। आपको अभी इसी वक्त हमारे घर चलना होगा। हमारे पोते की जन्म पत्री अभी हाथ के हाथ बनानी होगी आपको। ये काम अभी करना होगा आपको। आपने तो पोता पाके तीनों लोग पा लिया है, अब तो मुंह मांगी दक्षिणा लेंगे आपसे। जो चाहेंगे वो पाएंगे। बस मुंह पर खोलिएगा। चलो चलो चलते। जो मांगा था भगवान ने दे दी। बेटा, मेरा बेटा आ गया, मेरा चंदा, मेरा बेटा आ गया। तो अब से अम्मा जी का मैं कोई खौफ नहीं। हमारे मायके वाले आएंगे, नाना मामा, किसी की भी बेइज्जती नहीं होगी क्योंकि तू आ गया ना लल्ला। तो जल्दी क्यों नहीं आया मेरा चांद? कैसी विडंबना है, जिस औरत से समाज का जन्म होता है वही समाज उसकी पैदाइश को धिक्कारता है। बेटे की जगह बेटी पैदा करने के जुर्म में उसे दोषी करार दे देते, जबकि विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि लड़का या लड़की होना औरत के हाथ में नहीं बल्कि आदमी के हाथ में होता है। तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ है, तुम डरना नहीं। तुम्हारी दादा ऐसा हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम्हारी बदौलत हमें जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी मिली कि हम मरने के बाद भी याद रखेंगे। लो, हमारे बेटे को लो। इस दिन का हम कब से इंतजार कर रहे थे। एक बार अपने लाल को अपने सीली से लगा ले तो हमारा जन्म सफल हो जाए। हमारा बेटा कितना सुंदर है, बिल्कुल गोपाल जैसा, कृष्ण जी की छवि है। जेना, किसी की नजर ना लगे। सरोजा, हमारी कोख हमें ऐसे नहीं डस सकती। हम बेटी, हमें बेटी नहीं पैदा हो सकती। हे भगवान, हमने ऐसे क्या पाप किए थे जो आपने हमें बेटी दे दी। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडा, यही चाहती थी ना तुम। तुम्हारी मनुष छाया की वजह से हमें बेटी पैदा हुई है। दीदी, दीदी आप ये क्यों बोल रही हैं? तुम्हारे अपशकुनी पैरों की छाप है ये। काश, काश हमने तुम्हें उस दिन तुम्हारे मायके जाने से नहीं रोका होता। काश, काश हमने उनकी ये बात नहीं मानी होती तो आज हमें ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। हम कोई शिवजी नहीं है जो विष पी और अमृत बन सके।
ये विश हमें नहीं चाहिए। ले जाओ उसे हमारी नजरों के सामने से। हमें गंदी नाली का कीड़ा बनके और नहीं जीना। हमें इज्जत चाहिए, हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए। जैसे तुम हमारे लिए अभी शाप हो, वैसे ये हमारे लिए अभी शाप है। हमें इसकी शक्ल तक नहीं देखनी। गुड़िया हम अभी आते हैं। क्या सरोजा बहू, इतनी देर से घंटी बजा रहे हैं, इतना समय लगा दिया दरवाजा खोलने में। चले ना जीजी। जल्दी चलिए बाबूजी। चल। अरे क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? हाँ बोलिए सरोजा जी, क्या हुआ? मंजू भाभी तो ठीक है ना? मंजू दीदी को बहुत ही क्यूट बेबी हुई है। क्यूट सी बेबी हुई है या क्यूट सा बेबी हुआ है? बेबी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब अम्मा जी को पता चलेगा कि बेटा नहीं बेटी हुई है तो उनकी तो हंसी गायब हो जाएगी। पता नहीं क्या होगा। अरे क्या तारा ने, हमें तो जाने दो। क्यों जाने दे, आप कहीं के प्रधानमंत्री हैं क्या? अरे माई, अरे आप ही समझाइए ऐसे। भैया आज तो हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे जब तक हमें हमारा नेक नहीं मिलेगा। लल्ला कमू ऐसे कोई भी नहीं देख पाएगा आज। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा नहीं। ये लो लड़के की चाची। अब ठीक है, खुश। ये लीजिए तारा जी, सब रखिए बस। अब मैं जाऊं अंदर। इतने कम रुपए से क्या होगा, इतनी बड़ी खुशी और इतने कम पैसे? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाने देंगे। हो गया, बस। तारा बहू अरे सरोजा बहू, दाई कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है? चाचा जी मौसम बहुत खराब था, इस वजह से किसी से कांटेक्ट ही नहीं हो पाया, और हम दीदी के साथ में ही थे। फिर किसी तरह डॉक्टर से कांटेक्ट हुआ बड़ी मुश्किल से, फिर जैसा जैसा वो फोन पे बताती गई हमने वैसे ही वैसा किया। देखा मिसेज प्रमुख जी, दुनिया ठीक ही कहती है, एक पढ़ी लिखी लड़की घर की चार पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। अब देखिए ना हमारी पसंद कितना खरा सोना निकले। अरे चावल का एक दाना बता देता है कि उसकी असली मिठास क्या है। अब देखिए ना, जो लड़की इस स्थिति को संभाल ले वो दुनिया में क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा है भाई साहब आपने, बेचारी को माँ बनने का कोई अनुभव ही नहीं है, फिर भी इसने सब कुछ संभाल कर लिया। अगर इसके जगह कोई और होती ना
तो पता नहीं क्या करती। कलावती, हमारी बहू को जो मर्जी कह लो, लेकिन बेचारी मत कहो। अरे साक्षात गृह लक्ष्मी है वो, इसके कदम तो जहां भी पड़ेंगे दुख कोसों दूर चले जाएंगे। और एक बात, इसकी जगह कोई दूसरी लड़की नहीं ले सकते। अरे अब तो हम जीवन भर इसके ऋणी रहेंगे। अरे इसकी वजह से तो हमें कुलदीपक मिला है। ये बच्चे को पैदा करने वाली मां ना सही, लेकिन उससे कम भी नहीं। सरोजा बहू, सब ठीक ठाक है ना? जी अम्मा जी, सब ठीक ठाक। वाकई सरोजा बहू, बहुत हिम्मत का काम किया है तुमने। ये काम बहुत जोखिम भरा था, लेकिन तुमने इस जोखिम को उठाया और हमारे कुलदीपक को लेकर आई। बहुत बड़ा काम किया है तुमने, इसलिए तुम्हारा हर जोखिम हमारे सर माथे पर। हाँ जी जी। अब अच्छा सरोजा बहू, मंजू बहू कैसी है? चाची जी, दीदी बिल्कुल ठीक है, आराम कर रही है। लो, आ गया इस घर का असली कुलदीपक। अब क्या होगा? अब हम और हमारा बेटा अपने पापा की तरह बस छाया बनकर ही इस घर में रह जाएंगे। अरे तारा रानी, कहाँ पका रही हो तुम? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, बस हमने कह दिया है जब तक हमें हमारा नेक नहीं मिलेगा ना, हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, वो भी अच्छा सा नेक। हाँ आप हो गया सबका, प्लीज अभी मुझे प्लीज बच्चे के पास जाने दो, मुझसे और वेट नहीं हो पा रहा है भाई। मारे खुशी के हमें याद ही नहीं रहा तुम लोगों को बताना, अभी जच्चा बच्चा कमरे में तो कोई जा ही नहीं सकता। मारे खुशी के हमें याद ही नहीं रहा तुम लोगों को बताना, अभी जच्चा बच्चा कमरे में तो कोई जा ही नहीं सकता। बस हम औरतें जाएंगी अब, और क्या? अम्मा अगर मैं नहीं जा सकता हूँ तो बच्चों को आप यहाँ ले आइए ना, इसको देखना है प्लीज। ना ना, बच्चा अभी बाहर नहीं आ सकता 3 दिन तक। हाँ बच्चा जब हुआ था तो समय वगैरह ठीक से देख लिया था ना, लिखी हो कहीं पर? जी अम्मा जी, ठीक 12:01। सब पास, ये काम भी बिल्कुल अच्छे से कर दी तुम। अरे प्रमुख जी, अब पंडित जी को कहिए 12:01, बस इसी हिसाब से जन्म पत्र तैयार कर दे हूँ फटाफट। संभाले नहीं संभल रही कलावती। हाँ जी जी, आज जाकर प्रार्थना सफल हुई है हमारी।
मंजू बहू, पता नहीं क्यों एक उम्मीद बंधी है। इतनी खुशी से जब अम्मा जी बच्ची को गोद में लेंगी तो उसे उसे झटकार नहीं पाएंगी। उठो, आज इतने दिनों के बाद तो समय आया है जब तुम सबसे आंखें मिला सको। तुम मुंह दबा के सोई पड़ी हो। उठो मंजू बहू। हाँ मंजू बहू, उठो। आज जन्माष्टमी के दिन साक्षात किशन जी पधारे हैं हमारे घर। बेटे को जन्म देकर तुम्हारी कोख तो धन्य हुई है बहू, साथ ही हमारा सास बनने का मान भी सार्थक हो गया है। राय खानदान के जिस वंश को हमने अपनी आत्मा से सींचा है उसे आज तुमने न्याय दिला दिया है बहू। उठाओ, बेटे को जन्म दिया है तुमने, राय खानदान का वारिस। उठो मंजू बहू, घर से उठो। उठो मंजू बहू।